बिसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आप सबका उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे खुश रखे आबाद रखे अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल आज थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मैंने डिफरेंट करने का सोचा है वैसे तो मूंग और मसूर की दाल का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है चने की दाल के साथ मसूर की दाल का कॉम्बिनेशन मैंने आज कर तो लिया है लेकिन पर्सनली मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया मतलब चने की दाल अलग से पके तो वो बहुत मज़े की लगती है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल चावल इसके लिए मैंने ये जो दो ग्लास है ना ये थोड़ा सा और भी डाल दिया था फिर चने की दाल डाल दी थी और एक गिलास मैंने डाला था मसूर की दाल और इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया फिर वॉश करने के बाद इसको भिगो कर रख दूँगी और यहाँ पर तीन चार पानियों से धोने के बाद फिर मैंने इसको ना अभी भिगो कर रख दिया है तो दाल को थोड़ी देर भिगो के रखूँगी उसके बाद इसको मैं बनाना शुरू करूँगी कुकर के अंदर ही क्योंकि चने की दाल थोड़ा गलने दर... में टाइम लेती है और मुझे ज़रा जल्दी भी एक खाना दिन का मैं फटाफट से बना लूँ और अभी दाल चावल खाएँगे साथ राइस बॉयल कर लूँगी और शाम में भी फिर शाम में इतना कोई खाता नहीं है तो ये है कि फिर बस ये दाल बनी होगी क्योंकि मुझे जाना है शॉपिंग के लिए अच्छा जी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं है एक प्याज बारीक काट के डाला फिर इसके अंदर मैंने अभी ये सूखी मेथी डाली है पता नहीं और क्या डाला है क्लिप ही आगे चला गया है चलो ये तो हर एक अपनी मर्ज़ी से दाल बना ही लेता है अच्छा ये दाल चने की दाल बहुत मज़े की बनती है इसमें मेथी दाना कलौजी थोड़े से सौंफ भी डाल दें और ज़ीरा सूखी मेथी तो ये बहुत मज़े की बनती है यहाँ पर मैंने फिर इसके अंदर टमाटर भी छिलका उतार के वो भी डाल दिए हैं या धनिया पाउडर डाला है लाल मिर्च डालूँगी और हल्दी डाल रही हूँ तो बस ये वाले स्पाइसेस डाल के अभी ये जो मसाला है इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी कि ताकि बिल्कुल टमाटर जो है ना वो गल जाए टमाटरों का छिलका उतार लिया था नमक भी डाल दिया अब मसाला यहाँ पे भुन गया है तो इसके अंदर मैंने ये दाल जो है वो डाल दी और फिर हंसपे ज़रूरत जितना पानी चाहिए होगा वो डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी यहाँ पर मैंने टमाटर बंद गोभी और खीरे जो हैं वो बारीक काट लिए हैं थोड़ा सा इसके ऊपर सिरका डाल दिया क्योंकि लेमन नहीं थे और कुटी काली मिर्चें डाल दी और ये देखें दाल जो है वो पक चुकी है यहाँ पर अब यहाँ पर इसको कोई एक्स्ट्रा भगाड़ा आज मैं नहीं लगा रही बस ये तैयार हो गई है वरना तो ये होता है कि तड़का ऊपर से हरी मिर्चें धनिया और थोड़ा सा जीरे का तड़का लेकिन बस मैं इसको तड़का नहीं लगाऊँगी गरम मसाला मैंने एक टीस्पून डाल दिया है पाउडर और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं क्योंकि ये धनिया नहीं था दाल हमारी हो गई है तैयार बस इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी थोड़ा सा बीकूक करूँगी एक दो मिनट के लिए और बस फिर यहाँ पर राइस भी मैंने साथ ही बॉयल कर लिए थे सिंपल प्लेन राइस बॉयल किए हैं और साथ बस अब सलाद था और खाना खाते हैं क्योंकि उसके बाद जाना है मुझे शॉपिंग के लिए तो आज जो है मुझे लेने थे अपना ड्रेस लेना था जो कि अभी तक मैंने नहीं लिया था बारात के लिए तो मैं सोच रही थी कि ना मैं ज़रा आज जाते राबी सेंटर और वहाँ देखती हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत कपड़े आए हुए थे पिछली दफ़ा भी जब मैं गई थी तो बहुत प्यारे ड्रेसेस आए हुए थे और बड़े ही खूबसूरत काम वाले तो मैंने सोचा कि मैं ना वहाँ पर ही देखती हूँ कुछ लेती हूँ अभी यहाँ से तो ये मुझे कपड़ा चाहिए था इसको अतलस कहते हैं एक होता है जामावार ये जो अतलस होता है ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है मतलब जामावार इतना महंगा नहीं होता तो बस ये यहाँ से मैं एक शॉप से ले रही थी और फिर उसके बाद जो है ना छोटे मोटे बेशुमार काम है आपको पता है कि शादी आ रही हो और दिन करीब आ रहे हो ना तो फिर आपके बहुत सारे काम निकलते हैं यहाँ पर इस शॉप पर हम आए थे और बहुत ही खूबसूरत काम वाले कपड़े थे अब फिर से फ़ैशन कर दाने के काम का आ गया है तो जो पहले कपड़े इतने मैं सोचती थी कि एक मेरा ड्रेस इतना था इतना खूबसूरत उस पर कटदाना वर्क हुआ हुआ था लेकिन बस मैं लंबे अरसे तक किसी चीज़ को रख नहीं सकती मेरा दिल भर जाता है और फिर मैं सोचती हूँ कि ये अब कब काम आएगी उसको मैं किसी को दे देती हूँ लेकिन फिर जब वो उसका फैशन आता है या उसका टाइम आता है तो फिर मैं कहती हूँ ओह हो ये मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाज़ी कर दी लेकिन हर दफ़ा होता यही है इतना लंबा टाइम मैं रख नहीं सकती चीज़ों को तो खैर छोड़ें उस बात को यहाँ पर ना बड़े प्यारे प्यारे ये ड्रेसेज हैं और काम भी बहुत खूबसूरत है

ये अच्छा तो नहीं है थोड़ा सा हल्के हल्के में दिखाया ना ये ये पिंक वही वाला जो बाहर है दिखा ये, ये वाला ये दिखाई ये सिले के सिले के दिखाया ना ये कितने का सुनकर ये वाला 16000 तक है ये वाला

बस समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा सूट लिया जाए तो यहाँ पर ये वाला पिंक मुझे पसंद आ गया फिर ये इस सूट को मैं फ़ाइनल कर रही थी कि ये वाला मैं लेती हूँ और ये सूट अभी मैंने ले लिया है बारात के लिए क्योंकि मेरा वलीमे का ड्रेस भी फ़ाइनल हो चुका है मेहंदी का भी तो सिर्फ बारात का रहता था जो कि फिर मैंने सोचा कि आज जा मैं ये काम ख़त्म कर लूँ और अपना ड्रेस ले लूँ क्योंकि स्टिच होने के लिए भी देना है दिन कम है बाकी की मसरूफियात भी बीच में इतनी निकल आती हैं कुछ ना कुछ के फिर समझ

हाँ तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए अभी वो दुकान वाले अंदर कहाँ गए हैं और जो रबी सेंटर के बाहर हम आए ना तो बाहर उनके ए में आग लगी थी तो डर डर के तो मैं अंदर आई हूँ हमने डर गया मम्मा हाँ ना ना कर... आ, मुझे अप, मेरी बेटी थी ना साथ हमारे साथ इसलिए बच्चों का डर होता है तो <laughs> पहले तो मैंने उनसे पूछा अंदर जा सकते हैं कह रहे हैं हाँ कस्टमर हैं अभी ना थोड़ी थोड़ी लाइटें वगैरह बंद की गई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन डर लग रहा था पहले भी रबी सेंटर में एक दफ़ा शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी ना इसलिए मम्मा को डर लग रहा था मुझे नहीं पता नहीं टूटा तो लगता है मम्मा ला को डर लगता है नीचे लाइट बंद है आगे जाकर लाइट जली हुई थी हम करें ऐसे हाथ हाथ से अल्लाह लाहरिक को बचाए तो डरना चाहिए मेरे दोस्त भी ये व्लॉग देखेंगे उसमें मैं भी आज मेरी मेरे दोस्त मेरी मम्मा की बड़ी बहुत बड़ी फैन है हाँ तो बहस 11 महीने और यहाँ पर खान भाई के साथ बड़ी बारगेनिंग करनी पड़ी है बारगेनिंग तो यहाँ करनी पड़ती है और फाइनली जो है ना फिर मैंने अब तक ये ड्रेस ले लिया था शर्ट के साथ ये एलेवन थाउजेंड मतलब शर्ट शलवार जो लाइनिंग के साथ ये एलेवन थाउजेंड का था और दुपट्टे के साथ फिर ये थर्टीन थाउज़ेंड का था अच्छा था काम बहुत खूबसूरत था और मुझे वैसे बहुत लाइट सा ड्रेस चाहिए था बारात के लिए क्योंकि मतलब बहुत जो बारात का इवेंट था वो आ, सादा सादगी से ही था तो फिर भी खैर ये काम भी बहुत है इसके दुपट्टे पे भी बहुत है ये जब बन जाएंगे ना ड्रेसेस तब मैं आपको दिखाऊंगी और आपको समझ भी तभी आएगी वैसे नहीं आएगी फिर ऊपर हम टेलर के पास आ गए थे और उसको समझाया कपड़े वगैरह दिए स्टिच होने के लिए नीचे ये ज्वेलरी का सेक्शन था तो यहाँ पे कुछ ज्वेलरी मैंने सोचा कि यहाँ देखते हैं मैच कर लेते हैं बहुत सारी ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन इंस्टा uh, पे पेजेस थे उनसे देख के तो ऑर्डर की थी मंगवा ली थी लेकिन uh, कुछ जो थे ना यहाँ पर भी uh, हमें मिल रहे थे कि मतलब जो कपड़ों के साथ मैच कर रहे थे तो यहाँ पर हम ले रहे थे अच्छा यहाँ बिल्कुल अंधेरा था मतलब लाइट्स बंद पंखे बंद गर्मी इस कदर के जैसे पिघलने वाली हालत थी और यहाँ पर खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था उनका कोई बिजली का काम चल रहा था उसमें जो था ना सारी लाइट बंद थी और ये एक सेट था बहुत ही खूबसूरत सा ये पसंद आया था तो अभी वो उसकी डोरी डालना और कोई नग चेक कर रहा था कि कोई उतरा हुआ है तो वो लगा के दे तो फिर यहाँ भी ना ना करते भी हमें यहाँ तकरीबन आधा घंटा इसी जगह खड़े हो गया था और मैं कह रही थी कि फल्ला आज पता नहीं कैसा देना है कि मतलब इतनी गर्मी है याबी सेंटर में सांस बंद हो रहा है कहीं भी पंखे नहीं चल रहे फिर आगे जाके वो गल्फ़ वाली साइड पर वहाँ पर फ़ैन वगैरह थे ऑन और यहाँ पर बहुत बुरी हालत थी बहुत ही बुरी हालत थी पसीने से और बड़ी बस दिल चाह रहा था बंदा निकल के भागे यहाँ से लेकिन ये काम भी जरूरी कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पे हम ज्वेलरी देख रहे थे झूमर मुझे अच्छा खूबसूरत सा चाहिए था लेकिन ये उस तरह का मेरा मतलूबा झूमर था नहीं तो फिर वो तो मैंने छोड़ दिया और बस फिर हमने जो सेट थे वो ले लिए थे वो इन आपको मैं दिखाऊंगी सारी ज्वेलरी एक साथ ही और यहाँ पर फिर आगे थे एक शॉप पर यहाँ भी इन्होंने सिर्फ लाइट ऑन की हुई थी पंखे बंद थे यू नहीं था किसी की शॉप पर तो बस यही कुछ चल रहा था तो यहाँ से ना मून लाइट के ड्रेसेस लिए थे मैंने बेटियों के लिए और पहले मैंने उनके बारात के ड्रेसेस नहीं बना रही थी उनके मैंने सिर्फ वलीमे के और मेहंदी के बनाए थे क्योंकि बारात पे मुझे ये था कि यार छोटी ईद के पड़े हुए हैं एक दफ़ा पहने हैं खूबसूरत ड्रेसेस हैं वो पहन लो लेकिन आजकल क्या होता है कि ये जो फ़ोटो शूट हो जाता है फ़ोटो सेशन होता है ना इसके बाद बच्चे दोबारा उन ड्रेसेस को कहते हैं बस उसमें तस्वीरें आ गई हैं अब हमने नहीं पहनने तो फिर यहाँ पर भी मैंने उनके मून के ड्रेसेज लिए थे जो कि स्टिच करवाऊँगी कंप्लीट तो ये आपको समझ आएगी और फिर ही दिखाऊँगी तो बस वो भी ले लिया और उसके बाद जो है ना अब हम यहाँ पर घर वापस जा रहे हैं पता नहीं मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ हाँ शायद यही बोल रही थी कि गर्मी इतनी है और ये देखें कितनी बुरी हालत है गर्मी से और अंदर तो बिल्कुल ही दम घुट रहा था बस जल्दी जल्दी हमने भी काम किया इस चक्कर में ये हुआ कि काम सारे हो गए लेकिन हुए जल्दी जल्दी परफेक्ट हुए तरीके से मतलब कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा तो तो बस ये आज की वीडियो थी इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी अल्लाह हाफिज़